हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुज कुमार यादव आप सभी का BTS साइंस सेंटर कॉलेज की ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में पार्ट वन में 10th क्लास के इंग्लिश के प्रोज का पहला चैप्टर द एंचेंटेड पूल पढ़ाया था, और मैंने आपको पार्ट वन में जो अंतिम लाइनें पढ़ाई थी, मैं सबसे पहले आपको उन अंतिम लाइनों का अर्थ बता दूँ। मैंने ये बताया था कि युधिष्ठिर जब उस तालाब के पास पहुँचे और अपने उन चारों भाइयों को उस असहाय अवस्था में देखा, तब वे इस दुख को सहन ना कर सके और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगे। मैंने ये आपको पार्ट वन के जो अंतिम लाइनें थी उसमें मैंने बताया था। तो चलिए आइए, आज मैं पार्ट टू आपके लिए लेकर आया हूँ। आइए अध्ययन करते हैं टेक्स्ट बाय टेक्स्ट, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना। युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ, यानी टच मतलब छूना, चेहरे को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट एंड मोर्न, और वे अभी भी, एज का मतलब पहले की तरह ना, कहने का मतलब ये हुआ कि एज दे ले वे अभी भी पड़े हुए थे, सो स्टिल एंड साइलेंस एंड मोर्न्ड, अभी भी वे शांत और मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वोस। जब उन्हें ऐसी अवस्था में देखा तब युधिष्ठिर ने कहा कि वाज दिस टू बी द एंड, क्या यही अंत होना था ऑफ ऑल अवर वोस, हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का। वोस का मतलब प्रतिज्ञाएं, और दिस टू बी द एंड का मतलब यही अंत होना था। वाज दिस टू बी द एंड, यही अंत होना था ऑफ ऑल अवर वोस, हमारी सारी प्रतिज्ञाओं का। जस्ट व्हेन अवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जस्ट व्हेन बिल्कुल ठीक, हमारा वनवास समाप्त होने को है। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, यानी हमारा जो वनवास था वो बिल्कुल समाप्त होने ही वाला है। अयोध्या युधिष्ठिर ने कहा, यू हैव बीन टेकन अवे, तुम्हें मुझसे छीन लिया गया है। टेकन अवे का मतलब छीन लेना। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, यहाँ तक कि ईश्वर ने भी साथ छोड़ दिया है। फॉर सेकेंड का मतलब छोड़ देना, मी का मतलब मेरा, अर्थात हमारे पांचों भाइयों का। इवन द गॉड्स हैव फॉर सेकेंड मी, यहाँ तक कि ईश्वर ने भी साथ छोड़ दिया है मेरा। इन माई मिस फॉर्च्यून, इस संकट की घड़ी में। एज ही लुकड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के उस शक्तिशाली अंग को देखा, माइटी लिम्स का मतलब शक्तिशाली अंग होते हैं, जैसे ही अपने भाइयों के शक्तिशाली अंग को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, अब जो असहाय पड़े हुए हैं, ही सैडली वंडर्ड, वे दुखित होकर सोचने लगे कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ टू किल देम। वो सोचने लगे मन ही मन कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, कौन हो सकता है इतना शक्तिशाली, टू किल देम, जिन्होंने मेरे भाइयों को मारा है। देन ही टू डिसेंडेड इन टू पूल, कह रहे हैं कि देन ही टू डिसेंडेड इन टू पूल, और तब वे ही, डिसेंडेड का मतलब उतरना, इन टू द पूल का मतलब तालाब में, तब वे तालाब में उतरे, किस लिए, ड्रॉन टू द वाटर, पानी पीने के लिए, बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, अत्यधिक प्यास के कारण। बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट का मतलब अत्यधिक प्यास के कारण। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न्ड, एट वंस तुरंत ही, द वॉइस एक आवाज़ विदाउट फॉर्म, जिसका कोई रूप नहीं था, यानी अदृश्य एक आवाज़ सुनाई पड़ी, वार्न यानी चेतावनी दिया युधिष्ठिर को। फिर से पुनः रिवाइज कर रहा हूँ, एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वार्न्ड,
तुरंत ही एक अदृश्य आवाज़ ने उन्हें चेतावनी दी कि योर ब्रदर्स, तुम्हारे भाई डाइड, मारे गए हैं, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि तुम्हारे भाइयों ने मेरे शब्दों का जरा सा भी ध्यान नहीं दिया कि मैंने उनसे कुछ क्वेश्चन किए और उन्होंने बिना उन क्वेश्चनों का उत्तर दिए पानी पीने का प्रयास किया। हीट का मतलब होता है ध्यान देना, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, डिड नॉट हीड मतलब ध्यान ना देना। कह रहे हैं विकास क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों का ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। ट्राइड का मतलब प्रयास करना, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने का। विदाउट आंसरिंग बिना आंसर दिए, माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों का। डू नॉट फॉलो देम, यक्ष ने यानी उस अदृश्य आवाज़ ने कहा डू नॉट फॉलो देम, उनका अनुसरण तुम भी मत करो। अनुसरण का मतलब जैसा तुम्हारे भाइयों ने किया है वैसा तुम भी मत करो। आंसरिंग माई क्वेश्चंस, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। फर्स्ट पहले, एंड देन और तब, यू कैन क्वेंच तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। योर थर्स्ट यानी अपनी प्यास, क्वेंच का मतलब बुझाना। कह रहे हैं कि यू कैन क्वेंच तुम बुझा सकते हो योर थर्स्ट अपनी प्यास को। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मेरा है। बिलोंग्स का मतलब जिस चीज़ पर अधिकार होना, अर्थात संबंध जिस चीज़ का होता है, जिससे उस पर अधिकार प्रकट होता है, जिस पर बिलोंग्स का मतलब ये होता है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि दिस पूल बिलोंग्स टू मी, ये तालाब मेरा है। आई डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा मोमेंट टू अंडरस्टैंड। कह रहे हैं कि इट डिड नॉट टेक जरा युधिष्ठिरा मोमेंट, जरा सा भी समय युधिष्ठिर को नहीं लगा ये समझने में, दैट कि दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, ये यक्ष के अलावा और किसी की आवाज़ नहीं हो सकती है। एंड गेस्ड, और अनुमान लगाया कि वाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी, और ये भी समझने में समय नहीं लगाया दुष्ट ने। अ पॉसिबल वे, एक संभव रास्ता, आ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनके जीवन को पुनः वापस करने का जो एक संभव रास्ता था युधिष्ठिर ने, उसे भी सोचने में जरा सा भी समय नहीं लगाया। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस अदृश्य आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने क्वेश्चन रखिए, अर्थात अपने प्रश्न पूछना प्रारंभ करिए। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको यहीं तक पढ़ाऊँगा और नेक्स्ट पार्ट में कल आपके लिए लेकर आऊँगा। यदि वीडियो ये आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। बेल आइकन दबाने से आपको जो वीडियो मेरी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द मिलेगा। थैंक यू।